फोर्सेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आठवीं जमात तक की तालीम एलिमेंट्री या इब्तदाई तालीम कहलाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस। आठवीं जमात तक की तालीम जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही से। आंखें बंद करें जरा, एक मिनट आंखें बंद करें और अपने स्कूल टाइम में जाएं। क्लास 8 में आप किस जगह पे बैठ के लंच किया करते थे और किस दोस्त के साथ ब्रेक किया करते थे, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास 8 में आपका कौन सा दोस्त होता था और किस जगह पे आप ब्रेक किया करते थे। और अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दें, क्या आपको क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का नाम भी याद है? तो जवाब होगा नहीं। क्या आपको क्लास 8 के सोशल स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 का नाम याद है? तो जवाब होगा नहीं। लेकिन आपको आपका दोस्त याद है और वो जगह याद है जहाँ पे बैठ के आप लंच किया करते थे। आपको बुक का चैप्टर याद नहीं मगर आपको स्कूल की ब्रेक याद है। वजह बहुत सिंपल है कि आपने अपने दोस्त के साथ कुछ बातें शेयर की होंगी, कुछ वादे किए होंगे, साथ ना छोड़ने की कस्में खाई होंगी, लड़ाइयों के प्रोग्राम बनाए होंगे और टीचर्स की भी बुराई की होगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने फील की है, इसीलिए आपको ये नहीं भूली। ऐसा होने की एक बड़ी बेसिक सी वजह है, क्योंकि वो चीज़ें जिन्हें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हमारे पास उस चीज़ की ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी में चली जाती है। फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर चीज़ें हमारे साथ, हमारे जज्बात, इमोशंस, पिक्चर्स, फीलिंग या डिटेल के जरिए हमने उसको याद किया होता है या हमारी मेमोरी में इस तरह से आए होते हैं वो। आप अपनी मेमोरी को किस तरह से फोटोग्राफिक मेमोरी बना सकते हैं, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। तरीका कुछ इस तरह करके है कि रीड अप एंड डाउन। जी हाँ, तरीका कहा है रीड अप एंड डाउन से मुराद ये है, आपने जब भी सबक पढ़ना है तो आपने उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, डिफरेंट स्टाइल यूज़ करनी है, डिफरेंट पैटर्न यूज़ करने हैं। आप अपने चीज़ों को याद करने के तरीके में कोई सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया, उसे मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं पढ़ते, तो उसने कहा कि सर मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, पढ़ाई में मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये वो टेक्निक है रीड अप एंड डाउन कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखें जी, ये टेक्निक काम इस तरह से करती है। अब देखिए, अब आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, लेकिन अब आपने उसके साथ कोई फीलिंग जोड़नी है, आप उसके साथ फीलिंग फ़न की जोड़ सकते हैं। आप पढ़े ही इस तरीके से कि आपको मज़ा आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें कि आपको मुल्क का वज़ीर आज़म पढ़ाए, तो वो कैसे पढ़ाएगा? अब आपने ये समझ के पढ़ना है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आप पढ़ रहे हैं पहले से आठवीं जमात तक की तालीम एलिमेंट्री या इब्तदाई तालीम कहलाती है। इसकी तकमील के लिए स्कूल में दाखिले के बाद 8 साल दरकार होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको शाहरुख खान आके पढ़ा रहा है, तो वो किस तरह से पढ़ाएगा? एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्सेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब देखें, ये वो तरीका है जिससे हम अगर हमारा दिल ना भी करे तो हम फिर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी से। हम फ़र्ज़ करें, हम इसको और मजाकिया भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स
and drank any other morning with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance. पहली से आठवीं जमात तक की तालीम एलिमेंट्री कहलाती है. बोलो बोलो क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कहलाती है. वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जब भी आपने सबक पढ़ना है, आया वो सबक बोरिंग है या अच्छा है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से मेमोराइज करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंट स्टाइल से पढ़ें, डिफरेंट टोन में पढ़ें. आप नाक में पढ़ सकते हैं, आप ऊंची आवाज़ में पढ़ सकते हैं, आप नीची आवाज़ में पढ़ सकते हैं, आप अपने कोई फेवरेट एक्टर की शक्ल में पढ़ सकते हैं, अपने कोई लीडर की शक्ल में पढ़ सकते हैं. और एक बात कभी ना भूलिएगा कि लोगों को इजाज़त ना दें कि वो ये फैसला करें कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा. आप बेस्ट हैं. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को. और इसके अलावा हमारी एक स्टूडेंट प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स बताई गई है जो कि आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी ज़रूर देखिएगा.